कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर? 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत से कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। इस वक्त मैं कैराना लोकसभा सीट पर मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ बसपा के उम्मीदवार श्रीपाल राणा जी मौजूद हैं, जो नामांकन स्थल पर नामांकन के लिए पहुंचे हैं। तो उनसे बात कर लेते हैं कि जो चुनावी मैदान है उसमें इनके मुद्दे क्या रहेंगे और किस तरीके से ये मैदान में उतरे हैं, क्या सोच इनकी रही है और कंपिटिटर इनका कौन है, वो सब जान लेते हैं। श्रीपाल राणा जी, आपका स्वागत है न्यूज़24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि चुनावी माहौल है और आप भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, बसपा से आपको टिकट दिया गया है, तो क्या राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, राजनीति से मेरा पुराना संबंध नहीं रहा। कुछ समय पहले मैंने राजनीति में प्रवेश किया, बहन मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बनने का मौका मिला और कुछ ही समय के बाद में बहन जी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो कैराना लोकसभा क्षेत्र से मुझे एक बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी के रूप में भेजा है और बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ मुझे कैराना लोकसभा में भेजा है। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो जो मुद्दे यहाँ के, जो क्षेत्रीय मुद्दा है, चाहे कुछ सामाजिक मुद्दे रहे हों, चाहे डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, जो भी मुद्दे को लेके मैं आया हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि उन मुद्दों को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके एक अच्छा सुशासन की तरफ आगे बढ़ा के चलूँ मैं। श्रीपाल राणा जी, आप बता रहे हैं कि आपका राजनीति से पुराना ताल्लुक नहीं रहा है, फिर भी आप चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में कौन सी पार्टी को आप अपना कंपिटिटर मानते हैं? जी, जहाँ तक भाई साहब कंपिटिशन का और कंपिटिटर का जहाँ तक सवाल है, बहुजन समाज पार्टी 100% इस कैराना लोकसभा क्षेत्र से जीत रही है और ये दूसरा और तीसरा स्थान जो है वो विपक्षी दल तय करेंगे कि कौन दूसरे में रहेगा और कौन तीसरे पर रहेगा। यानी कि आप अपने को फर्स्ट नंबर पे देख रही हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जिन मुद्दों को लेकर के आपको टिकट दिया गया, वो क्लियर कीजिए थोड़ा सा कि वो मुद्दे क्या हैं, जिस जनता के बीच में आप रहेंगे उनसे किस तरह के आपके क्या क्या वादे होंगे, वो मुद्दे क्या हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जहाँ पे सर्व समाज होता है, आप देखिए हमारे साथ में जहाँ पे हम खड़े हैं, सर्व समाज के साथ खड़े हैं, जहाँ पे सर्व समाज होता है वहाँ पे जीत निश्चित होती है। और मैं ये झूठे और खोखले दावे नहीं किए आपके पास में, जीत निश्चित है और होके रहेगी। और जहाँ तक मुद्दों का मसला है, डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको धरातल पर मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है, प्रयास रहेगा। तो थोड़ा सा वो बताने की कोशिश कीजिए ना कि वो किस तरह का डेवलपमेंट है, जैसे हाईवे है, मौजूदा सरकार रही तो उसने डेवलपमेंट किया, ठीक है, कॉलेज दिए, तो बहुत सारे उनके मुद्दे रहे, जैसे वो मुद्दे रहे उनके क्लियर हुए, तो आप किस तरह के मुद्दे क्लियर करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने हाईवे की बात बताई, अभी वो जो हाईवे हैं अभी के ताज़े नहीं हैं, वो चल रहे हैं, पुराने समय से चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं। केवल हाईवे करने से ही नहीं, जो नगरीय क्षेत्र है, जो कस्बा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, आप जाके कभी, आप तो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, आप जब भी आपका भ्रमण हुए गांव की तरफ, गांव गलियों की तरफ, आप जाके देखो स्थितियां जो कि तो हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि वो जो, हम तो किसान परिवार से आ रहे हैं और एक फौजी बैकग्राउंड से भी हैं, बहुत सारे मुद्दे हम देख रहे हैं कि जिनमें बहुत भारी बदलाव की आवश्यकता है, प्रयास रहेगा कि उन सभी मुद्दों को हम लेके सदन तक जाएंगे और वहाँ पे अपने मुद्दों को रख के क्षेत्र का विकास की तरफ बढ़ के चलेंगे। आप बिजनेसमैन है ना बेंगलोर में? मैं बिजनेसमैन बहुत बाद में हूँ, पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा होने के बाद में मैंने लगभग 22.5 साल सीमा सुरक्षा बल में मैंने सीमाओं की सुरक्षा की है। और सीमाओं की सुरक्षा करने के बाद में मैं अभी इस क्षेत्र में, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस है, अपना रोटी का गुजारा चल रहा है। और अभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि अभी हमें समाज के लिए, क्षेत्र के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे मैं तीनों मुद्दों पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपने बताया आप सेना में रहे, आपने बताया किसान का बेटा हूँ, आपने बताया बिजनेसमैन हूँ, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, जैसे आप फौजी रहे तो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है, तो उसे किस दृष्टि से आप देखते हैं? रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है, जो मेरा जिस समय पे राजनाथ सिंह ने पदभार संभाला था उस समय मैं रिटायर हो चुका था। लेकिन सेना के प्रति भाव तो अभी भी होगा? सेना के प्रति भाव अभी भी है, जिंदा दिली से अगर भी आज भी मुझे अगर सेना की तरफ से कोई आदेश आए तो मैं ये सारा जो भी है इस सब छोड़ के मैं अपनी सीमाओं की तरफ बढ़ चलूँगा।
तो राजनाथ सिंह जी का सेना के प्रति जो भाव है, जो वो कर रहे हैं, वो किस तरह दृष्टि से आप देखते हैं? नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ों का मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे जगह पे सेना के बहुत सारे मुद्दे इस तरीके के हैं जिनमें बदलाव की आवश्यकता है। अभी इन्होंने जो अभी अग्निवीर लाने का जो प्रोग्राम उन्होंने जो रखा है, मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही सरकार का बहुत गलत निर्णय है। एक चुनिंदा समय के लिए उन्होंने 4 साल के लिए उन्होंने नियुक्ति दी है। अब 4 साल में जब तक एक सैनिक अपने आप को, एक दिन में सैनिक नहीं बन जाता, समय लगता है, और ये इतना बहुत छोटा सा समय उन्होंने दिया है इस 4 साल में। मैं समझता हूँ कि वो 4 साल नहीं, वो जो रेगुलर जो स्ट्रीम चल के आ रही थी उसको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हमारी सरकार रही तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस अग्निवीर वाली जो योजना लेके आई है केंद्र की सरकार, हम उसको हटाएंगे और अपना जो रेगुलर जैसे सिस्टम चल के आ रहा था उसमें जो अच्छे बदलाव कर सकते हैं करेंगे। यानी कि फोर्सेज डिपार्टमेंट में अभी बदलाव की जरूरत है? हाँ, फोर्सेज डिपार्टमेंट में बदलाव की आवश्यकता है, वो देख रहे हैं हम। वहाँ पे जहाँ पे जो पेंशन स्कीम्स हैं, बहुत सारी पैरामिलिट्री के बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको दबाया जा रहा है। 2004 के बाद में पैरामिलिट्री को, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनको पेंशन नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि उनको पेंशन की तरफ भी उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अभी मैं भी पैरामिलिट्री फोर्सेज से रिलेटेड हूँ। अब जब हम सीमाओं पे हम खड़े हैं, सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं हम, तो सरकार का फर्ज बनता है कि हमें जो पेंशन स्कीम है उस पेंशन स्कीम में सबके साथ रखा जाए। लेकिन ये बात तो आपने बहुत बढ़िया कही है कि पेंशन स्कीम आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सांसद रहे हैं, ठीक है, उन सभी जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सभी के पास पेंशन हैं, तो आप लोगों के पास क्यों नहीं? नहीं, मेरा इससे रिलेटेड भी मैं मुद्दों को उठाऊंगा। अगर ईश्वर ने चाहा, अगर मैं सांसद बना, तो मैं आपको यहाँ पे बोल के जाता हूँ कि मुझे किसी पेंशन की आवश्यकता नहीं, मैं 1 रुपये से काम करूँगा, कोई मुझे पेंशन की आवश्यकता नहीं, और मैं अपने जो साथी जवान हैं उनका मुद्दा उठाऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी आपने बिजनेस की बात कही, जो केंद्र सरकार है वो लगातार कह रही है कि बिजनेस डेवलप हो रहा है, भारत विकास गति की ओर बढ़ रहा है, तो क्या उस गति में आपको भी आपके बिजनेस में थोड़ा बहुत लाभ हुआ? नहीं, जहाँ तक ये मीडिया तक ही चीज़ें हैं, बाकी धरातल पे उस तरीके की स्थितियां नहीं है। मेरा उतना बड़ा बिजनेस नहीं है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा भारी फर्क नहीं पड़ता, या उनके जो है गवर्नमेंट जिस तरीके से डेवलपमेंट दिखा रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, और गाँव में आज भी घोड़ा तांगर बुग्गी चल रही है। अब 5 ट्रिलियन की बात करें, आप मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, आप मेट्रो इलेक्ट्रिक मेट्रो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने सिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गाँव स्तर पे आप देखिए, गांव स्तर पे हालात जो के तो बने हुए हैं अभी भी। अच्छा, अभी आप कह रहे थे मैं किसान का बेटा हूँ, तो किसान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये अकाउंट में देने की बात मौजूदा सरकार द्वारा कही गई थी, वो गई भी है बहुत से किसानों के खाते में, क्या आपको भी उसका लाभ मिला? मैं तो इसको एक झूठमूठ की खैरात मानता हूँ। किसानों की स्थिति जग जाहिर है, आज भी किसान जो 20 साल पहले किसान जहाँ पे था, आज भी किसान वहीं पे खड़ा हुआ है। किसी तरीके के 2,000, 4,000, 6,000 रुपये देके ये एक गवर्नमेंट का लॉलीपॉप है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं मानता हूँ कि अगर आप अगर हकीकत में अगर किसान के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो फ्रंट फुट पे आइए, किसानों को सब्सिडी दीजिए, खाद में सब्सिडी दीजिए, बीज में सब्सिडी दीजिए, डीजल के पेट्रोल के दाम कम करिए, तो एक किसान महसूस करेगा। अब एक मझला किसान है, 6,000 रुपये की राशि अगर आप दे रहे हैं, एक साल के अंदर 6,000 रुपये की राशि उसको कहाँ तक, किस हद तक किसान को लीड करके लेके जाइएगी। अच्छा, आपसे लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे बहुजन समाज पार्टी से, मेरे साथ श्रीपाल राणा जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि आने वाले समय में विकास के मुद्दे होंगे और किसानों के लिए जो योजना है वो धरातल पे उतारी जाएगी। आने वाले समय में अगर बात की जाए 4 जून की, तो अब की बार केंद्र में जो चेहरा होगा, देश का जो चेहरा है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मायावती जी को बताया है। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।